नमस्कार साथियों, राशन कार्ड रखने वालों के लिए बहुत जरूरी खबर है। अगर आप भी राशन कार्ड धारक है तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। केंद्र सरकार की तरफ से लाखों राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन की सुविधा दी जा रही है। सरकार ने ऐलान किया है कि इस साल भी यानी 2023 में भी राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन का फायदा मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि कई अपात्र लोग फ्री राशन का फायदा ले रहे हैं। इन पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए सरकार की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसे लोग खुद अपना राशन कार्ड निरस्त करा ले। राशन कार्ड निरस्त नहीं कराया तो सत्यापन के बाद खाद्य विभाग की टीम इसे रद्द कर देगी। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। आपको बताना चाहेंगे, सरकार ने नए नियम जारी किए हैं। यदि किसी कार्ड धारक के पास खुद की आय से अर्जित 100 वर्ग मीटर का प्लॉट या फ्लैट या मकान या फिर चार पहिया की गाड़ी, ट्रैक्टर, सशस्त्र लाइसेंस, गांव में 2 लाख और शहर में 3 लाख सालाना से अधिक पारिवारिक आय है तो ऐसे लोगों को अपना राशन कार्ड तहसील और DSO कार्यालय में सरेंडर करना होगा। आपको बताना चाहेंगे, सरकार कर सकती है कानूनी कार्यवाही। सरकार के नियम अनुसार यदि राशन कार्ड धारक कार्ड को सरेंडर नहीं करता है तो ऐसे लोगों का कार्ड जांच के बाद रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही उस परिवार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों से जब से वो राशन ले रहा है तब से राशन की वसूली भी की जा सकती है। जी हाँ साथियों, बेहद बड़ी अपडेट है राशन कार्ड धारकों के लिए। पूरे देश में नए नियम जारी। जी हाँ, बड़ी अपडेट है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। जय हिंद, जय भारत।